आज बन रहा है वन ऑफ वेरी हेल्दी एंड द कंप्लीट मील फॉर ऑल ऑफ यू. सो इट्स अ मलाई बोटी रैप. सो इन्जॉय दिस मलाई बोटी रैप और देखेंगे कैसे बनी है इसकी सॉस और बहुत ही टेंडर एंड जूसी मलाई बोटी. सो स्टे ट्यून्ड. अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। लेट्स डाइव इन टू द इन्ग्रीडियंट. और ये ले ली है मैंने क्रीम 1 कप एंड चिकन है मेरे पास 1/2 kg. ऑयल है 2 टेबल स्पून. लहसुन है पेस्ट. हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च एंड एजल सूखा धनिया. और ये है अदरक का पेस्ट. तो चलें कर रहे हैं जी, अब हम इनको मैरिनेट. सो चिकन को पहले मैंने रख दिया था डिप करके सिरके में. और उसके बाद मैंने इसको एक्स्ट्रा जो था विनीगर वो निकाल लिया था. 2-3 टेबल स्पून मैंने विनीगर को वाटर में डिसॉल्व करके उसमें डिप कर दिया था अपने बोनलेस चिकन को. और अब ये मैं ऐड कर रही हूँ जी इसमें ज़ीरा कुटा हुआ. और ये वन वन करके हम सारे इंग्रेडिएंट कर लेंगे ऐड. और ये जा रही है हमारी ब्लैक पेपर पाउडर. सो ये है जी हमारा गरम मसाला. ये सब चीज़ें थी ऑलमोस्ट 1-1 टीस्पून. और ये मैंने ले ली थी 2-3 ग्रीन चिलीज़. और इसको हम कर लेंगे ऐड ऑन. और दिस इज़ आर सॉल्ट एज वेल. ये सब चीज़ें आपको जस्ट करनी है मिक्स. और आपको करना है इसको ओवरनाइट मैरिनेट. ये मेरा चला गया लहसुन का पेस्ट. और अगर आपको लग रहा है कि आपने ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना तो आप सेम डे भी कर सकते हैं इसको कंज्यूम. सो ऑयल मैं इसी स्टेज पे डाल दूँगी 2 टेबल स्पून, बिकॉज़ मैं कुकिंग में नहीं यूज़ करूँगी. इससे ये और ज़्यादा टेंडर और हो जाता है जूसी. सो इस पॉइंट पे हम करेंगे पहले इन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स. और ये मैरिनेट करके जब रखा होता है तो विद इन नो टाइम आपका हो जाता है रेडी. सो अगेन आप इसको हाफ एन आवर भी मैरिनेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आप इसको बना के रखें. सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स पहले कर लें आप चिकन में ऐड ऑन और कर लें अच्छी तरह से इसको मैरिनेट. और फिर एंड में आप डालें क्रीम. सो मेक श्योर कि क्रीम आपकी हो फ्रेश, क्योंकि मलाई बोटी की जो मेन थिंग है वो है इसकी क्रीम. तो क्रीम को आप करें ऐड ऑन और देन इट्स ऑल डन. इसको अच्छी तरह करें इस पर कोट और रखते हैं इसको मैरिनेशन के लिए. इट्स अगेन अप टू यू जितना टाइम आप देना चाहें आपकी कन्वीनियंस में हो. सो हम कर देंगे जस्ट इसको मिक्स. तो ये काम जब मैं कर रही होती हूँ तो मोस्ट ऑफ मैं जब अपना मेन मील बना रही होती हूँ तो उसी टाइम मैं मैरिनेशंस वगैरह वो करके रख लेती हूँ. तो इससे ये होता है कि नेक्स्ट डे हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा आसानी, क्योंकि मेरी मैरिनेशन जब की होती हैं तो मैं बहुत क्लियर होती हूँ कि कल मैंने क्या बनाना है. सो ऑफ कोर्स इस तरह के काम मैं प्रेफर कर रही होती हूँ कि कुकिंग के साथ साथ ही हो जाए. सो ये ऑलमोस्ट ही हमारी मैरिनेशन हो गई है डन. और अब हम करेंगे इसको कुक. सो ये मैं डाल रही हूँ जी, बिकॉज ऑयल ऑलरेडी इसमें था तो अब मैं डाल रही हूँ इसको अपनी कढ़ाई में. और अब हम जस्ट इसको करेंगे टेंडर. सो अगेन अप टू यू, अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी आप ऑयल थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं. तो जस्ट करें इसको मिक्स और मेक श्योर कि आपकी सारी मैरिनेशन हो जाए पैन में ऐड और करें इसको स्टर. सो रैप इज़ वन ऑफ द वेरी हेल्दी ऑप्शन. आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से जो है वो कर रहे हैं अवॉइड. तो इस तरह का खाना बनाएं जो हो ऑयल फ्री भी एंड एज़ वेल हेल्दी और यमी भी. बिकॉज़ जब आप ऑयल फ्री खाना कुछ बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो इतना जो है वो टेस्टी नहीं होता. बट इस तरह की चीज़ कन्वीनियंट भी होती है. और इस पॉइंट पे मैंने अ डैश ऑफ ऑयल किया है इसमें ऐड ऑन. सो इस तरह की चीज़ कन्वीनियंट भी होती है. आप इसको एज अ लंच बॉक्स भी बच्चों को दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक में भी ले सकते हैं. बट मैं तो इसको बना रही होती हूँ एज अ कम्प्लीट मील फॉर माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ कोर्स ये पूरा टॉरीला इज़ जस्ट एज़ फीलिंग लाइक अ चपाती. तो आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती इसको खा के, कुछ हंगर फील नहीं होता. तो ये जी ऑलमोस्ट हमारा हो गया था कम्प्लीट. और अब मैं दे रही हूँ इसे स्मोक कोयले का. सो मैं ऐड कर रही हूँ अ डैश ऑफ ऑयल ताकि इसमें अच्छी तरह से आ जाए हमारा बारबेक्यू का फ्लेवर. सो इससे हो जाता है वन ऑफ वेरी प्रोफेशनल टच ऐड. तो ये हमारा मैंने जस्ट कवर किया है फॉर गुड 2 मिनट्स और ये हो गया था जी ऑलमोस्ट रेडी. और अब हम स्विच करेंगे अपनी सॉस की तरफ. सो लिया है जी मैंने 1/2 कप योगर्ट, जो कि मैंने कर लिया था हैंग और पानी इसका निकाल लिया है. हरी मिर्च है, एजल पुदीना है, मिंट, प्याज है, नमक है. सो वेरी लेस इंग्रेडिएंट.
और बन रही होती है बहुत ही मज़े की। सो ये 1 कप मेरा था योगर्ट जिसको हैंग किया मैंने, तो ये रह गया जस्ट 1/2 कप। सो इसका एक्स्ट्रा वाटर आपने कर लेना रिमूव, और करना है इसको अच्छी तरह से मिक्स। सो बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी सी ये सॉस बन के रेडी होती है। एंड एज़ वेल ऑफकोर्स योगर्ट है तो ये होती है बहुत हेल्दी। कंपैरेटिवली आप अदर ड्रेसिंग्स या आप मायो यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें उसे, योगर्ट है बहुत हेल्दी ऑप्शन। सो इट्स वन ऑफ द वेरी हेल्दी मील बाय द वे। सो मैं जब भी बना रही होती हूँ तो फॉर द नेक्स्ट डे मैं अपनी बेटी के लंच बॉक्स में भी ज़रूर दे रही होती हूँ। तो मैंने इसमें डाला है अ डैश ऑफ ऑयली ऑयल ताकि आ जाए अ लिटिल क्रीमी टच। और अब मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी ये मेरे पास थी 1 ग्रीन चिली जिसका कर लिया मैंने पेस्ट, और 10-12 पुदीने के पत्ते मिंट लीव्स लेके मैंने उसका भी बना लिया है पेस्ट। सो ये हमारा हो चुका है ऐड ऑन, और डालूँगी मैं अ डैश ऑफ सॉल्ट अ पिंच इसमें और कर लूँगी मैं मिक्स। सो ये हमारा बहुत ही क्रीमी सा थिक सा जो है वो सॉस हो जाता है रेडी, और लगता है बहुत मज़े का। एंड एट द सेम टाइम इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको करनी पड़े बाय, ऑफ कोर्स ये सब घर में होता है हमारे मौजूद हर वक्त, और उससे बनाया बहुत ही मज़े की यम्मी सॉस। सो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा था थोड़ा थिक, तो आप इस पॉइंट पे इस पर अ लिटल डैश वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने किया है जी अगेन डैश ऑफ ऑयली ऑयल और कर दूँगी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स ताकि आए बहुत ही क्रीमी लुक इसकी। ऑलमोस्ट जो है हमारा ये मिंट सॉस ये हो चुका है रेडी, और ये मैं आपको दिखाती हूँ जी ये थी इसकी फाइनल लुक। तो अब हम करेंगे जी इसकी असेंबलिंग। सो चलें आए, मैंने ले लिए हैं टॉर्टिलाज, ये हैं जी होम मेड टॉर्टिलाज जो मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ बना के। सो इसकी रेसिपी भी मैं आपको प्री सून जो है वो दूंगी, आप रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे और देखते रहिए नई नई रेसिपीज़। सो मेरा पर्पस ये हो रहा होता है कि हर चीज़ बनाई जाए घर पे और हो वो साफ़ सुथरी, एट द सेम टाइम आपको हो सेटिस्फेक्शन कि आप क्या खा रहे हैं और बना रहे हैं। टॉर्टिलास को बना के जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ और मुझे इतनी होती है आसानी। वैसे भी जैसे आजकल हो गया बहुत ज़्यादा लो शेयरिंग हो गई है गैस की, तो उस वक्त जब कुछ नहीं होता तो आप जस्ट एक टॉर्टिला निकालें एंड इट इज़ ऑलरेडी ये रेडी होता है, और आपको जस्ट करना होता है इसको लिटिल वॉर्म। तो अगर ना हो गैस तो फिर आप इसको उस वक्त माइक्रोवेव में भी कर लें, देन अदरवाइज आप इसको ज़रा सा स्टोव पे दोनों तरफ कलर दे सकते हैं, तो ये हो जाता बहुत ही मज़े का रेडी इंस्टेंट रोटी है आपकी। सो बनाएं इसको, करें इसको भी ट्राई, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए फॉर द सेफ साइड। आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं और आपके अंदर कितनी जो हैं वो कार्ब्स जा रही हैं। सो इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी वेरी सून। सो ये देखेंगे बातों बातों में मैंने कर ली है जी अपने टॉर्टिला की असेंबलिंग, और मैंने जस्ट ऐड किया है ऑनियन। अगर आप चाहें तो आप इस पे अदर वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं ऐड ऑन। सो ये मैं कर रही हूँ इसको जी अगेन टर्न, और मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी इसके अंदर की लुक। सो ये इतना मज़े के इतने सॉफ्ट और इतने लॉन्ग लास्ट करते हैं आपके फ्रिज में कि आप लिटरली आपको इतनी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में, और इवन लंच बॉक्स में देने में भी बच्चों को आपको होता है बहुत कन्वीनियंट। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर मलाई बोटी टॉर्टिलास विद अ यमी सॉस। सो लगा है आपको कैसा, दीजिएगा मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में, रखिएगा दुआ में याद मुझे। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी सब्सक्राइब माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन।